इससे पहले खुद एक्टिंग नहीं आपने शुरू की थी, आप दूसरों की एक्टिंग देखती थी? देखती थी। तो कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर्स थे उसके अंदर? आप भी कोई कम नहीं थे। ठीक है, मैं तो मारा गया हूँ। एक्टिंग के अंदर आपके कोई कोई फेवरेट्स हैं? फेवरेट्स वो मुझसे पूछ रहा है, बताओ कैसा लगा, चिकन का चीनी का आटे का भाव कैसा लगा, कभी खरीद के लाते थे कनस्तर घी का, अब उसका पाव का पैकेट सुनाओ कैसा लगा, किरा फिरोशी है की जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासु चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात है आज तो अकरम साहब, क्या टी शर्ट आपने पहनी है? अच्छा जी, वाह वाह वाह। इनके मोहल्ले से गुजरा तो वहाँ गुम शुदगी का ऐलान चल रहा था। अच्छा। टी शर्ट के? हाँ, मोहल्ले में किसी बच्चे की गुम हुई थी। 88 के लिखे आके ना, मैं टेंट दान बनाया नक्शा सारा। अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद उम्र लिखी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਗੁੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਜਦ ਮੁਹੱਲੇ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੂਬ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, जो खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हैं। जब भी मुश्किल किरदारों और कमाल एक्टिंग का जिक्र होता है, इन साहब का नाम कहीं आसपास में ही सुनाई देता है। टेलीविजन हो, फिल्म हो या थिएटर हो, हर मीडियम पे कमाल अदाकारी कर सकते हैं जनाब सलीम मुराद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर और बडिंग एक्ट्रेस मोहतरमा कवल फारूक। वेलकम टू द शो जी, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, बिल आखिर कंवल जी क्या आ ही गई मजाक रहा। हाँ, हाँ, आ गई। और शेर भी मैं ऐसा प्यारा लाया हूँ। अच्छा जी, वाह, भाईजान के लिए। अच्छा जी, बल्कि भाईजान के ऊपर शेर लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों जी? मैंने कुछ बातें लिखी हैं भाईजान के मतलब जी। सलीम मेराज नॉन हीरो फिर भी ठाकुर, कोई भी किरदार इनको दे दो, ये उस सिस्टम को अपने दिलो दिमाग के सिस्टमों में इस तरह ढालते हैं कि इनका नाजर भी और ये खुद भी सलीम मेराज की हकीकत को भूल जाते। कदेश टंकी शेर नहीं हुई, शेर नहीं हुई, वाह 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 क्या बात। कदेश टंकी शेर नहीं हुई, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਰੱਬੇ ਵੜ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਮਰੱਬੇ ਵੜ ਲਏ, ਮੈਥੋਂ ਮਰਲਾ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। उसने मेरा दामन गमों से भर दिया है। अरे वाह, लग रहा है। जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया है। कर दिया है, कर दिया है। अच्छा भला मैं प्राडो की तरह दिखता था क्या सर? उसने मेरा चिंची जैसा हाल कर दिया। जी सलीम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये कि आप माशाल्लाह ये जो इस बार यंग लग रहे हैं, इसकी क्या कोई वजह है या कोई किरदार के लिए कर रहे हैं? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं आने से पहले सोच रहा था कि जुमला मुझे सुनने को मिल जाए। अच्छा, आपको पता था ना? ये आप यानी कि यही टारगेट करके आए हुए हैं? आप बन के आए हैं? नहीं, मगर ये क्या कोई किरदार है या नहीं? कोई किरदार विरदार नहीं, बस थोड़ी सी। सर पीछे दो तीन फिल्में ऐसी की है परेशानी से यंग हो गए। दो तीन फिल्में हमने ऐसी की है। आप
आपने इनके साथ भी कर दी अदाकारी जी सर जी। आपको अपनी अदाकारी के नजर उतारने के और भी तरीके बता सकते हैं। वो जो हमने साथ काम किया वो बिल्कुल सही कास्टिंग थी। अच्छा, एक बंदा चाहिए था पंजाब का या लाहौर का या फैसलाबाद का, और एक चाहिए था सिंध का या कराची का। अच्छा, और तो दो अदाकार उन्होंने जमा किए और हमने बहुत मजा किया, बहुत अच्छा। तो ये जो एक म्यान में एक तलवार और एक छोटी छुरी जो थी, ये कैसे फिट आई सर? ये जब कैमरे के सामने है तो ये कोई और कैसर पिया है, अभी ये बंद कर दो ये लाइट्स तो ये एक और कैसर पिया। अगर मैंने फिल्म बनानी हो कैसर पिया को लेकर तो कैमरा बंद रखूं? मम्मी कहो तुम मैं कास्ट क्यों नहीं करवाते, कैमरा बंद हो जाना था। मगर आपने कहा कि कुछ कर रहे हैं, यानी कि बस थोड़ी सी डाइट की थी, थोड़ा सा वर्कशॉप की थी बस। अच्छा, तो ये एकदम ख्याल कैसे आया? उम्र बढ़ती जा रही थी, मैं क्या ख्याल कर लो। नहीं मगर किसी ने कहा ये लगता है, और ये मैं देख रहा हूँ आपका कुछ हेयर स्टाइल भी जरा चेंज हुआ हुआ है, कोई लंबे लंबे बाल हुए हुए हैं और बड़ा स्टाइल है। मैं देखे पूरी लुक पता चल रही है, घड़ी भी मैचिंग है आज जीन्स के साथ, ये फर्क महसूस हो रहा है ना बहुत बाकायदा तौर पर। किसी ने कहा था? कौन कहेगा यार, ये तो आप बताएंगे। नहीं किसी ने नहीं कहा, खुद ही ख्याल आ गया। कवल जी आपके क्या हाल हैं? मैं बड़ी अच्छी हूँ। नहीं मैंने ये नहीं कहा था कि आप कैसी हैं, मैंने पूछा क्या हाल हैं? नजर नहीं आ रहे। ये भी सही है, तो आपको देख के अंदाजा हो जाना चाहिए। अब अच्छी हूँ तो नहीं बता सकते ना कि अच्छी हूँ कि नहीं। आप मेरे दिल से पूछे ना, बहुत अच्छी। ये बताइए कि आप इस्लामाबाद से आई हुई हैं, शो देखा हुआ है आपने? हाँ जी, देखती रहती हूँ। देखती रहती है, so you have an idea. बचपन से देख रही हूँ। आपने देखा हुआ है शो? अब so आपने ऐसी बातें नहीं करनी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, हमारी काम पे टांगती रहती है। नहीं, नहीं, आप... अच्छा नहीं मुझे एक अच्छा। बात बताएं, आप सारा शो तो खुद अपने जहन में बनाकर आई हुई हैं। क्या तो मुझे बताएं कि उसके अंदर और क्या क्या सवाल मैं पूछूंगा? कुछ भी पूछ लें, क्या खाती हो क्या पीती हो। नहीं मैं निदा यासिर नहीं हूँ। क्या पूछना है पूछे। आपने कभी इनका कोई काम देखा हुआ है? हाँ। कौन सा? वो ऐसे मुंह में तिले डाल के यूं ऊपर रुमाल फेंक के रक्षे वाले का रोल किया था बाबू। अरे रक्षे वाला हिट है मजाक रात के शो में मेरा। मगर आप अच्छा नहीं, काफी आते रहते हैं बड़े ड्रामों में, देखा है कभी मासूम कभी राउडी कभी बड़े डिफरेंट डिफरेंट रोल में। ये पाकिस्तान के हमारे नसीरुद्दीन शाह हैं, अल्लाह की मेहरबानी से डिफरेंट रोल में देखा हुआ है। तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह के उनकी उम्र कम भी कर सकते थे, लेकिन तुमने नसीरुद्दीन शाह साहब का नाम लेके उनकी उम्र मुफ्त। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले से कह चुके हैं, लेकिन उन्हें तो भी बड़े फनकार। अच्छा अगला सलीम राज साहब। सलीम भाई अब इसके बाद आपको मैं तीसरी बार नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह साहब के बाद अगला बंदा नहीं मिल रहा हमें जो इस वक्त हो। ये बताइए सलीम भाई कि अभी आखिरी कौन सा आपने ऐसा किरदार किया है जिसको देख के हम सिर्फ हसरत से यू नो आहें भर सकते हैं? अलिफ। अलिफ वाला आपको लगा आखिरी, जिसमें बहुत जोर लगा? बहुत जोर लगा। वैसे आपका जोर लगता है एक्टिंग करते हुए? हाँ लगता, क्योंकि देखते हुए तो नहीं हमें लग रहा होता कि आपका नजर नहीं आना चाहिए यार। ये तो कमाल है, नजर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यंग रोल भी कर लेते हैं, बच्चे का रोल भी कर लेते हैं, डाकू का भी, चोर का भी, पुलिस का भी, रक्षे वाले का भी। नहीं रक्षे वाला हो गया, वो मैंने कहा था, वो जो आपका वो ना तीली वाला, ये फैन क्लब आपका एक और है उसका बड़े ग्रेट। हमें भी चाहिए ऐसी कोई टिप्स वगैरह हमें दे दें, कोई इस तरह का हम काम करें। मगर नहीं वहाँ सीरियसली, वैसे मैं अगर आपसे आज पूछूं कि सलीमा मुझे बताएं कि पहली बार आप कैरेक्टर देखते हैं, क्या देखना चाहिए है एक न्यू कमर को उस कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए कि मैंने इसमें एक्टिंग करनी है? स्टैंडिंग देखता हूँ मैं कैरेक्टर की, उस पूरे सर्कल के अंदर स्टैंडिंग क्या है, उसकी वजह से कहानी पे कोई फर्क पड़ रहा है, उस किरदार पे कोई फर्क पड़ रहा है मतलब, और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कोई फर्क पड़ेगा मुझ में या जो मुझसे करवा रहे काम? ये दो चार चीजें अगर मुझे समझ में आ जाती हैं तो मैं ड्रामा कर लेता हूँ। अब कहने लग गए लोग कि मैं ज्यादा ड्रामे करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ ज्यादा ड्रामे। अब इस वक्त मेरा टीवी पे कोई प्ले ऑन एयर नहीं है पिछले कोई 3 महीनों से, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ अपने मतलब के, अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, तो बस यही चीज देखता हूँ। कमल जी आप पहले इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी और अब आपने एक्टिंग शुरू कर दी है? कर दी। ये बताइए कि ये आपको ख्याल कैसे आया एक्टिंग का? सारे कहते थे बड़ी एक्टर हो, मैंने कहा चलो यार तुम लोगों की बात। मसले स्कूल से जाते थे, घर वाले कहते ही ऐ बड़ी होके एक्टर ही बनेगी, मसले सारे कहते थे कि एक्टर हो बड़ी तो आप एक्टर बन गई। तो यार तुम बहुत बड़ी एक्टर हो, मैंने कहा चलो तुम्हारा। नहीं नहीं बने नहीं था। जब इससे पहले खुद एक्टिंग नहीं आपने शुरू की थी, आप दूसरों की एक्टिंग देखती थी? देखती थी। तो कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर्स थे उसके अंदर?
आप भी कोई काम नहीं थे। ठीक है मैं तो मारा गया हूँ। एक्टिंग के अंदर आपके कोई कोई फेवरेट्स हैं? फेवरेट्स मैं हूँ ना। फीमेल्स में मायरा खान और मेल्स में हुमायूं से। तो इनके साथ काम करना चाहेंगी? क्यों नहीं, क्या फिल्म ड्रामा क्या? बस ड्रामे कर लेंगे, फिल्म भी कर लेंगे। ठीक है सर, आपकी भी कोई विशलिस्ट रहेगी जिंदगी में बाकी? अल्लाह का शुक्र है सर, कुछ नहीं। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप तो हर जॉनरा के अंदर काम करते हैं, आपका कोई अपना फेवरेट जॉनरा कौन सा है? रोमांटिक, थ्रिलर, साइलेंट? साइलेंट, सीरियस, अच्छा, और इंटेंस। साइलेंट, सीरियस और इंटेंस, ओए ये तो अच्छा बड़ा एक अल्टरनेट जोन के अंदर है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है जितनी भी मैं कर रहा हूँ ना, वो जो हम लोग तरसते थे टीवी पे काम करते हुए या फिल्म में, यार मजा नहीं आ रहा, वो वाली ठरक सारी पूरी हो रही है। आप तो खैर है भी माशाल्लाह एक्टर ऐसे के जो डायलॉग के बगैर भी एक्सप्रेशन अपने आंखों से और बाकी चेहरे का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जो मेहरीन जब्बार ने पहली फिल्म एक डायरेक्ट की थी रामचंद्र पाकिस्तानी, उसमें मैंने जो रोल किया था वो साइलेंट था मेरा। तो फिर उसने फिर एक एंड में कोई एक सिचुएशन ऐसी आई थी तो उसने कहा था कि एक डायलॉग बोल दो ताकि पता चले कि एक किरदार गूंगा नहीं है, वैसे ही खामोश है। तो वो मजा आया था। मगर वही ना, आप तो कर सकते हैं माशाल्लाह। अगर मतलब बॉलीवुड में किसी के मध्य मुकाबले काम करना हो, किस करेक्टर के साथ, हीरो के साथ करना चाहेंगे? ये वाली अप्रोच यंग एज में जब शुरू किया था काम, तब भी नहीं थी, तब भी ये नहीं होता था। मैंने पहली दफा ड्रामा किया तो मेरे सामने हुमायूं सईद हुमायूं भाई थे, उनकी रिस्पेक्ट और वो सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन मैं उनके अताब में नहीं आया था कि हुमायूं सईद है या मैं। बहुत अच्छी, आगे कोई भी होता तो मैंने वैसी एक्टिंग करनी थी। अभी भी मेरा यही है कि अगर मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम करूं या बोझ खरीदार तलक आया था, जब मैं छत में तजरे बात किए थे उसने, तो असर मेरे कारोबार तलक आया था, बस नहीं चल रहा हालात के आगे उसका, मुश्किलों से जो इख्तदार तलक आया था, देखो यार आ।